प्यारे बच्चों कैसे हैं आप। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 9th, 10th, 11th या 12th के RBSE के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं कि RBSE ने क्लास 9th से 12th तक का सिलेबस 40% तक रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर क्लास 9 से 12th का जो जो पोर्शन उन्होंने हटा दिया है उस पोर्शन का एक पीडीएफ डाल दिया है। आप में से कुछ बच्चों ने कई दिनों से मुझसे कमेंट कर पूछा था कि सर आप बताइए हमारा कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा चैप्टर नहीं आएगा। हम आप लोग कंफ्यूजन में थे, तो आरबीएसई ने अब वो कंफ्यूजन एकदम दूर कर दिया है और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ का लिंक दे दिया है। जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, चाहे आपकी क्लास 9th है, 10th है, 11th है या 12th है, अगर आप आरबीएसई के स्टूडेंट हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप अपनी बुक खोलिए और उस बुक में जो इंडेक्स दिया होता है उसको लेकर बैठ जाइए, ताकि वहां से आप पीडीएफ से टैली करते जाइए कि आपका कौन सा चैप्टर अब सिलेबस में है। याद रखिए बच्चों, ये जो पीडीएफ दी गई है, इस पीडीएफ में जो सिलेबस आरबीएसई ने हटा दिया है उन्होंने उस सिलेबस को बताया है जो सिलेबस उन्होंने हटा दिया है, और ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ये 9th से 12th तक का हुआ है। अभी तक 8th क्लास तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, इसलिए प्लीज कमेंट बॉक्स में 8th तक के बच्चे ये ना पूछें कि हमारे सिलेबस का क्या हुआ है। ये सिलेबस रिड्यूस ओनली 9th टू 12th क्लास का हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है और आप वहां से अच्छे से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।